आप एक स्टॉक पर बुलिश हैं एंड आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉल को बाय करें या फिर पुट को शॉर्ट करें। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वारसिटी वीडियोस। Now before answering the question कि आपको कॉल को बाय करना है या फिर पुट को शॉर्ट करना है, उससे पहले मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में पता है। अगर आप ऑप्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल जरूर देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के अराउंड कुछ बेसिक्स को समझते हैं। जब भी हम कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं तो उसके लिए हम प्रीमियम्स देते हैं, एंड जब भी हम पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, एंड इस केस में हमें प्रीमियम्स मिलते हैं। दोनों ही केसेस कॉल एंड पुट में हमारा रिस्क रिवॉर्ड का प्रोफाइल डिफरेंट होता है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल तभी होते हो अगर अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए। जैसे ही अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल के प्रीमियम्स ऊपर जाते हैं एंड पुट के प्रीमियम्स फॉल करते हैं, एंड तभी आप प्रॉफिटेबल होते हैं। अब आप स्टॉक पर तो बुलिश हैं, लेकिन कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें, ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, थीटा, डेल्टा एंड वेगा। चलिए सबसे पहले डेल्टा समझते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आया डिपेंडिंग अपॉन कि अंडरलाइन स्टॉक के प्राइस में कितना चेंज आया। मान लेते हैं मारुति के केस में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम में कितना मूव आया, ये हमें डेल्टा से पता चलता है। अब आपको ऑप्शन बाय करना है या फिर सेल करना है, ये डिपेंड करता है कि उस स्टॉक में कितना पोटेंशियल है मूवमेंट का, एंड इसे हम क्वांटिफाइंग मूव या फिर डेल्टा कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो काफी टाइम से डिक्लाइन हो रहा है, एंड 100 पर आकर वो एक हैमर पैटर्न बनाता है। हम जानते हैं कि हैमर का पैटर्न एक फॉलिंग मार्केट में बुलिश मूव है, तो जब आप उसे 100 की प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टारगेट है इमीडिएट रेजिस्टेंस, दैट इज 107। तो इस केस में आपको 7% के अप मूव का बेनिफिट मिलेगा। अब अज्यूम करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए तीन तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप 100 के कॉल को 8 के प्रीमियम पे बाय करते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 100 के पुट को 8 के प्रीमियम पे सेल करते हो, एंड तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 105 की कॉल को 5 के प्रीमियम पे बाय करते हो। तो इस केस में सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेते, दैट इज 100 की कॉल को 8 के प्रीमियम पे, तो हमारा ब्रेक इवन क्या होता, 100 + 8 = 108। लेकिन हमारा अप मूव जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ 107 तक है। अगर हम अपना तीसरा ऑप्शन कंसिडर करें, दैट इज अगर हम कॉल को बाय करते हैं एट द कॉल ऑफ 105, जिसका प्रीमियम था 5, उस केस में ब्रेक इवन होगा 105 + 5, दैट इज 110। अब इन दोनों ही केसेस में जहां पर हम कॉल को बाय करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अपना अप मूव का अजम्पशन लिया था वो ही उससे कम है। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन ज्यादा है एंड हमारा अप मूव उतना है नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर आप पुट को शॉर्ट करोगे तो बेटर होगा। अब हम अपना दूसरा फैक्टर समझते हैं, दैट इज वेगा। वेगा का मतलब होता है कि ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आया डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटैलिटी। अब जनरली जब वॉलेटैलिटी ज्यादा होती है तो ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज करता है, एंड जब वॉलेटैलिटी डिक्रीज होती है तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम भी डिक्रीज करता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड से पहले की वॉलेटैलिटी क्या है एंड ट्रेड लेने के बाद वॉलेटैलिटी कहाँ जा सकती है। इसके कुछ थंब रूल्स समझते हैं। मान लेते हैं ट्रेड लेने से पहले वॉलेटैलिटी ज्यादा थी एंड ट्रेड लेने के बाद वॉलेटैलिटी गिर जाएगी, तो ऐसे में आपको पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज पुट ऑप्शन के केस में हम चाहते हैं कि हमारा प्रीमियम फॉल करे, एंड क्योंकि आपके ट्रेड लेने के बाद वॉलेटैलिटी फॉल करेगी तो पुट ऑप्शन को सेल करने में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें, यानी कि ट्रेड लेने से पहले वॉलेटैलिटी डिक्रीज हो रही है एंड उसके बाद इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे में कॉल ऑप्शन बाय करना बेटर होगा, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका प्रीमियम कॉल ऑप्शन के केस में बढ़े, और वो तभी बढ़ेगा जब वॉलेटैलिटी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस वॉलेटैलिटी को बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेड मेजर कैसे करें। इसका एक इजी मेथड है, आप करंट वॉलेटैलिटी, जिसे हम इम्प्लाइड वॉलेटैलिटी भी कहते हैं, उसे हिस्टोरिक वॉलेटैलिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इस कंपैरिजन के बेसिस पर यू डेवलप अ सेंस कि वॉलेटैलिटी कहाँ है और कहाँ जा सकती है।
बेशक ये बेस्ट मेथड नहीं है लेकिन इजी मेथड जरूर है। अब हम अपने थर्ड फैक्टर थीटा को समझते हैं। ये तीनों ही ग्रीक्स में से सबसे इजी है समझने के लिए। थीटा या फिर टाइम डिके ये मेजर करता है विद एवरी पासिंग टाइम एक ऑप्शन में कितना इनएविटेबल लॉस हुआ। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एक एक्सपायरी में जितना ज्यादा टाइम होता है इट इज ओके टू बाय अ कॉल ऑप्शन, लेकिन एक्सपायरी में जितना कम टाइम हो देन इट इज बेटर टू सेल द पुट ऑप्शन। तो इस वीडियो से हमने ये समझा कि अगर हम किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स पर बुलिश हैं तो उस केस में कॉल को बाय करना चाहिए या फिर पुट को शॉर्ट करना चाहिए। ये तीन ग्रीक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, थीटा, डेल्टा एंड वेगा। एक चीज का ध्यान रखें, इन तीनों ही फैक्टर्स को आप आइसोलेशन में स्टडी ना करें। जब भी आपको डिसीजन लेना है इन तीनों ही फैक्टर्स को कंसिडर कर अपने डिसीजन को लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।